एनसीईआरटी ने सेशन 2023 एंड 24 के लिए एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जितने भी प्रकार की चेंजेस एनसीईआरटी क्लास 11th में हुई है वो सारी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। देखो यार, सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर इलिमिनेट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से पूरे पूरे चैप्टर ही डिलीट हो गए हैं। तो चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 12 प्लांट फिजियोलॉजी, ये दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2006 में जब एनसीईआरटी चेंज हुई थी तो 2015 तक नीट में उसके क्वेश्चंस आए हैं पुराने एनसीईआरटी के। तो आप मान के चलिए अभी अभी एनसीईआरटी जो चेंज हुई है तो बाद में फर्दर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये चैप्टर्स तैयार करके जाने हैं नीट में। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 16 ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को भी कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो इन चैप्टर को आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स में थोड़े थोड़े एनसीईआरटी में चेंजेस किए गए हैं। चैप्टर नंबर वन द लिविंग वर्ल्ड में एक टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिक एड। ये टैक्सोनॉमिकल एड नाम की जो टॉपिक है जिसमें हर्बेरियम वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में कुछ चेंजेस हैं, तो मैं बताता हूँ प्लांट किंगडम में कौन कौन से चेंजेस हैं। प्लांट किंगडम में ये टॉपिक एंजियोस्पर्म नाम की जो टॉपिक है, ये टॉपिक को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है। तो इस टॉपिक को बोर्ड के लिए नहीं तैयार करना है। दूसरा टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इस टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लांट किंगडम के इन दोनों टॉपिक्स को आपको नहीं तैयार करना है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की चेंज को आप नज़रअंदाज करें, आपको वही पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है और उसी से आपको तैयार करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर में कोई चेंजेस नहीं है। एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चेंजेस हैं। मैं आपको बताता हूँ मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या चेंजेस हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, रूट स्टेम और लीफ का जो मॉडिफिकेशन पार्ट है, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो आपको इसका मॉडिफिकेशन पार्ट नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ इन्फ्लोरेसेंस वाले टॉपिक को आपको नहीं तैयार करना है, फ्लावर तैयार नहीं करना, फ्रूट तैयार नहीं करना, सीड तैयार नहीं करना है। आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फैमिलीज को अच्छे से पढ़ना है, और ये टॉपिक जो मैं आपको बताया हूँ, इन टॉपिक्स को आपको तैयार नहीं करना है। रूट स्टेम लीफ की मॉडिफिकेशन, इन्फ्लोरेसेंस, द फ्लावर, द फ्रूट एंड द सीड, ये टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। कौन से चैप्टर से? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ते आ रहे थे, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इस चैप्टर से भी कुछ चीज़ें डिलीट किए गए हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इस चैप्टर से डिलीट की गई हैं। एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर से जो ये कॉकरोच वाला पार्ट था, अभी तक इसको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब कॉकरोच को भी डिलीट कर दिया गया है। अर्थवर्म और फ्रॉग पहले से डिलीटेड थे, कॉकरोच को भी डिलीट कर दिया गया है। और कई लोग बोल रहे हैं कि फ्रॉग को इंक्लूड किया है, तो इसको आप लास्ट में पढ़ें अगर पढ़ने का मन है तो। बाकी इन तीनों टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया गया है। कौन से चैप्टर से? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ें डिलीट नहीं की गई हैं। तो आप इस चैप्टर को एज इट इज तैयार करें। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ डिलीटेड नहीं है। आपको इस चैप्टर को एज इट इज ऐसे ही तैयार करने हैं। बायोमोलिक्यूल से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। मैं बताता हूँ बायोमोलिक्यूल से कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, जिन टॉपिक्स को आपको तैयार नहीं करना है अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए 9.8 टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलीमर, ये टॉपिक डिलीटेड है, इसको आपको तैयार नहीं करना है। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, इस टॉपिक को भी आपको तैयार नहीं करना है।
मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जिनको बायोमोलिक्यूल चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, तो इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को आपको तैयार नहीं करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है सेल साइकिल, इस चैप्टर से कुछ भी चीज़ रिलेटेड नहीं है, सारी सब कुछ आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, ईजी चैप्टर है, आपको सारे टॉपिक्स इसके पढ़ने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, अपना अगला चैप्टर आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया, मैं पहले ही बताया इस चैप्टर को आपको तैयार नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसको आपको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। मिनरल न्यूट्रिशन को भी नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है। बस आपको ये तीन चैप्टर पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट हो गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी डिलीट हो गया है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में कम्प्लीटली 5 चैप्टर थे, इनमें से अब 3 चैप्टर्स ही हैं जिनको आपको तैयार करना है। उसमें से भी चैप्टर नंबर 15 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, उन टॉपिक्स को मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं, उन टॉपिक्स को आपको तैयार नहीं करना है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वर्नलाइजेशन नाम का एक लास्ट में टॉपिक आता है, इसको डिलीट कर दिया गया है। सीड डोरमेंसी नाम का एक टॉपिक आता था, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको तैयार नहीं करना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है, तो आपको इस चैप्टर को भी तैयार नहीं करना। मतलब 3 चैप्टर एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी से डिलीटेड हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो और बाकी 6 चैप्टर्स हैं इनको आपको तैयार करना है, जिसमें से चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर में थोड़े से चेंजेस हैं, उन चेंजेस को मैं बता देता हूँ, चेंजेस नहीं है, कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं, उन डिलीटेड टॉपिक्स को मैं बताता हूँ आपको, इन रिलेटेड टॉपिक्स को नहीं तैयार करना है, बाकी आपको एज इट इज एनसीईआरटी इसी तरह से तैयार करनी है अगर आप बोर्ड के लिए तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं फिर बताता हूँ आपको, यही पुरानी एनसीईआरटी को कंप्लीट चैप्टर जितने भी दिए हैं सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये जो टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन तो लिखा हुआ है कि डिलीटेड है, लेकिन अगर रिफ्लेक्स एक्शन डिलीटेड है तो मान के चलो रिफ्लेक्स आर्क भी डिलीटेड ही होगा। तो आप इस टॉपिक को 21.5 रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क करके इस टॉपिक को आप डिलीटेड मान के चले। सेंसरी ऑर्गन आई एंड ईयर ये भी डिलीटेड है कम्प्लीटली, बहुत प्रॉब्लमेटिक तो नहीं था लेकिन बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे इसको, सेंसरी ऑर्गन को मतलब आई और ईयर को, तो ये टॉपिक डिलीटेड है, ये खुशी की बात है, आपको इनको पढ़ना नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको क्लास 11th एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, तो आपको इन टॉपिक्स को तैयार नहीं करना है अगर आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो।